तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेंज ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस था 10 साल के लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए 2010 से लेकर यहाँ पे 2021 तक ये एक रेजिस्टेंस हुआ कर रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने के कारण अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीकली स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम SBI बैंक को एनालाइज करेंगे और ये स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसमें क्या टारगेट्स आ सकते हैं ये जानेंगे। तो डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको नया डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा और अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वीकली चार्ट्स पे और कल के दिन स्टॉक ने जो क्लोज दिया है 364.30, एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि इस स्टॉक में न्यूज है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी। तो यहां पे आपको मैं एक रेंज बताना चाहूंगा, इस स्टॉक ने जो पिछले 10 साल में एक रेंज बनाई है जिसको मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 350 के आसपास की ये लाइन है, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन गया था और नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट जो था वो 150 के रेंज के आसपास था। तो ये रेंज एक बना ली थी स्टॉक ने, देखिए 2009 से लेकर यहाँ पे 2020 तक अगर आप बोल सकते हो, क्योंकि स्टॉक ने जो है ये फरवरी 2021 में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, वापस उन्हीं लेवल्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेंज ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, जिसके बारे में आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं इस स्टॉक में क्या न्यूज है और फिर मैं आपको इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स बताता हूँ, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉसेस है और इसे क्या टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो पहले चलते हैं न्यूज पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ SBI के न्यूज पे और यहाँ पे आज के दिन जो न्यूज निकल करके आई थी, SBI रेजेस $1 बिलियन लोन फ्रॉम JBIC टू हेल्प कोविड हिट जैपनीज ऑटो कंपनीज इन इंडिया। तो इन्होंने SBI ने जो है वो जैपनीज बैंक्स की तरफ से यहाँ पे देखिए लोन लिया है जो $1 बिलियन का होने वाला है और यहाँ पे इनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ने वाला है वो बहुत ही कम है इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ अराउंड अबाउट देखिए 6-7% जो है वो होम लोन होता है जो कि सबसे सस्ता माना जाता है, उससे भी सस्ते इंटरेस्ट पे इनको ये लोन मिल रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि आप जो लोन ले रहे हो उसके लिए आप नेक्स्ट टू नथिंग पे करने वाले हो और उससे आपको बहुत सारा फायदा यहाँ पे हो सकता है इस बैंक को। तो इसलिए ये बैंक देखिए आज के दिन इतना, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट्स नीचे थी, बट यहाँ पे SBI फिर भी आपको पॉजिटिव में दिखी होगी क्योंकि ये न्यूज थी इसमें, ठीक है। और एक न्यूज जो 2-4 हफ्ते यहाँ पे पहले आई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। 4 हफ्ते पहले जो एक न्यूज निकल करके आई थी, बहुत ही बड़ी न्यूज थी इस बैंक के लिए, मॉर्गन स्टैनली जो है यहाँ पे इन्होंने PNB, BOB और SBI को अपग्रेड किया है, बट यहाँ पे इन्होंने बताया देखिए मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड्स PNB, BOB बट सेज SBI इज द टॉप पिक अमंग्स PSU बैंक्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं यहाँ पे उनमें से PNB और BOB का भी इन्होंने अपग्रेड किया है, बट यहाँ पे उनको SBI ये टॉप पिक में लगती है। और इन्होंने जो टारगेट दिए थे इस बैंक के लिए वो 600 रुपीज के थे, तो इसलिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसमें बहुत बड़े टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं आपको, बट ये लॉन्गर टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो देखिए दोस्तों, SBI के टेक्निकल पॉइंट्स जानने के पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। प्रकाश इंडस्ट्रीज जो मैं आपको 16th of March को दिया था समवेयर अराउंड 71 रुपीज के आसपास, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एक्यूमुलेट करना है 60-65 के लेवल्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने जो लोज लगे हैं वो 59.50, यानी कि जो मैंने आपको रेंज बताई थी 60 से लेकर 65 की रेंज जिसमें आपको बाय करना था, वही रेंज में यहाँ पे स्टॉक ने लोज लगाए हैं। उसके बाद देखिए एक बड़ी मूवमेंट आई है और कल के दिन, यानी कि अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे तो एक ही दिन में देखिए स्टॉक ने 65 रुपीज से लेकर 77 रुपीज की मूवमेंट दे दी है। एक बड़ा ब्रेकआउट आया है जरूर इस स्टॉक में, तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो इसमें आपको 84 और 90 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकते हैं और 100 के टारगेट्स इजिली इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये अपडेट है प्रकाश इंडस्ट्रीज के ऊपर।
और अगर आपको अब तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप सब मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वीकली चार्ट्स पे वापस। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि इस स्टॉक ने 10 इयर्स का ब्रेकआउट दिया है, जो 10 इयर्स का रेंज बना लिया था। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 350 के आसपास के लेवल्स और नीचे की तरफ 150 के आसपास के लेवल्स, तो 10 साल इस स्टॉक ने देखिए यहाँ पे निकाले हैं। और अगर आप देखोगे तो बजट वाले वीक में, यानी कि 2021 के बजट वाले वीक में, इस स्टॉक ने 282 से लेकर 408 रुपीज के हाइज लगाए थे। और उसके आने वाले वीक में यहाँ पे देखिए 427 के हाइज लगे हैं, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया है। बट यहाँ पे मेन जो कंसोलिडेशन आया है वो इसके ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे देखिए निफ्टी भी करेक्ट किया है, उसके साथ ही ये स्टॉक ने भी करेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल्स थे 350 के, 340 के, इस स्टॉक ने देखिए यहाँ पे एक रिटेस्टिंग किया है। 345 रुपीज के लोज लगा के अब ये स्टॉक देखिए 364 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल्स बहुत ही क्रूशल हो जाते हैं जो 340 के आसपास के होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक वापस आपको 340 से लेकर 360 के बीच में यहाँ पे अगर आपको दिखता है, तो इसे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिएगा। जिसको लंबी अवधि के लिए यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये रेंज है 340 से लेकर 360 की, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये रेंज ही आपको एक सेफ लेवल होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आपके बहुत पास के हो जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जीरो के बराबर हो जाते हैं, बट ऊपर की तरफ आपकी जो लेवल्स है यानी कि टारगेट्स है, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए यहाँ पे देखिए 400, 425 के टारगेट्स इजीली जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिख सकते हैं आपको, वो खुल जाते हैं। बट नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत कम रेंज होता है, क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस था 10 साल के लिए रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए 2010 से लेकर यहाँ पे 2021 तक ये एक रेजिस्टेंस हुआ कर रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने के कारण अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 340 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। अगर आपको बाइंग करनी है तो 340 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 400, 425 ये जो टारगेट्स हैं, इसके जो हाईज लगे हैं अभी हाल ही में, जो 427 के हाईज लगे हैं, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। पहला टारगेट 400 का, सेकेंड टारगेट 425 का। तो ये टारगेट्स के लिए आप इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बाय कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है वो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसका जो रेंज ब्रेकआउट था यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 150 से लेकर 350 यानी कि समवेयर अराउंड 200 पॉइंट्स का ये गैप था। तो यहाँ पे जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ी रेंज बना ले जो है 350 से लेकर 550 तक की। तो ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है आने वाले 10 साल के लिए। जैसे ये 10 साल इस स्टॉक ने 150 से लेकर 350 में निकाले हैं, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 350 से लेकर 550 या 600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इन लेवल्स के लिए आपको बाय करना है। जितने ही लोअर लेवल्स पे आपको मिलेगा आप एक्यूमुलेट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है लगाना है 335 रुपीज का, ठीक है। 335 के नीचे अगर जाता है तो आप क्विट कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है इसमें एक्यूमुलेट करते रहिए। लोअर लेवल्स पे अगर आपको मिलता है ये एक्यूमुलेशन के लिए ही नीचे आएगा। ऊपर की तरफ आपको 400 और 420 के टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप 550 और 600 के टारगेट्स लेके चल सकते हो। तो ये टारगेट्स है मेरे एसबीआई में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैव अ गुड डे। थैंक यू।